अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुहेल राबत खान, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुहेल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो रमज़ान का चांद नज़र आ गया, तो सबसे पहले आपको पहला जो रोज़ा है वो बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामत रखें इस मुबारक महीने के सदके। आप जहाँ भी रहें हमेशा सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपके माँ बाप की ज़िंदगी लंबी करें और अल्लाह पाक आपके रिज्क में बरकत अता फरमाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ज़रूरत कैश ऐप के अबाउट, कि जो लोन एप्लीकेशन है ये फेक है, रियल है, जो भी है। तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोन लें, ठीक है। तो लेकिन ये है कि रिव्यू करेंगे ये एप्लीकेशन कैसे होती है और इस पर आप लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये रियल है या फेक है। तो आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम ज़ाय किए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल से मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे अपने प्ले स्टोर पर ज़रूरत कैश लिखा है, तो यहाँ से मैंने इसको अभी डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपने, ये आपकी लोकेशन मांगेगा, उसके बाद आपका फ़ोन स्टेटस होगा, कैमरा होगा, यहाँ पर आपकी जो जो पर्सनल डाटा होगा यहाँ पे आपने इसको एग्री कर देना है। उसके बाद आपकी लोकेशन आपने यहाँ पे अलाउ कर देनी है। सारी चीज़ें अलाउ करने के बाद यहाँ पे हमसे यहाँ पे दोबारा से एग्री मांगेगी। यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर लिखना है। इस जल्दी जल्दी मैं अपना फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक OTP आएगा। OTP जब आएगा तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे OTP आ चुका है, तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे पिन लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी पिन लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने अपना पिन लिख लेना, जितना भी आप दिल करें यहाँ पे कंफर्म। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 50,000, ठीक है। और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो है 91 डेज़ की, यानी कि जो हमने वापस करनी होगी वो है हमारे पास 3 मंथ। यहाँ पे अप्लाई लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन आती है। तो यहाँ पे कौन एलिजिबल है और इसकी, इसका क्राइटेरिया क्या है और इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे ये सब आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, यहाँ पे एजुकेशन है, आप प्राइमरी हैं, मिडिल हैं, सेकेंडरी हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर हैं, या जो भी है आपने करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मटेरियल जो है, स्टेटस आप न्यू मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी है आपने यहाँ पे अपना जो स्टेटस है वो लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे, अच्छा मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ आई कि नेवर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ें देते हैं, खैर इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे चिल्ड्रन का नंबर है, जो अगर आपके हैं तो वेल एंड गुड है, तो नहीं है तो आपने यहाँ पे नहीं देना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आपका वर्क है, आप अगर एम्प्लॉय हैं तो वो लिख लेना, यहाँ पे जॉब है या आपकी इंडस्ट्री जिसमें भी आप वर्क करते हैं तो आपने वो लिख लेना। यहाँ पे आपकी जो मंथली इनकम है 10,000 है या जितनी भी है, 10,000 से 25,000 है, 25,000 से 40,000 है, 40 से 55 है, तो यहाँ पे इनके जो बिटवीन होगी यहाँ पे आपने पुट कर लेनी है, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मेल आता है तो हमने ईमेल लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं फिल करता हूँ, उसके बाद क्या आता है तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी यहाँ पे ना मैंने फिल कर ली है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है यहाँ पे मैंने लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ कि इसके बाद क्या आता है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आ गया हमारा, यहाँ पे हम आपका रिलेशनशिप जो भी है यहाँ पे स्पोज लिख सकते हैं, अदर लिख सकते हैं, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आएगा, उसके बाद रिलेशनशिप आपका आएगा, इमरजेंसी, और आपने ये कर लेना। मैं भी यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ पे भी सारी चीज़ें मैंने फिल कर ली, उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमने आईडी कार्ड का जो फ्रंट है वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे एंड पे मैं, ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, मैं अपलोड नहीं करना। बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर दे दी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने जब इस एप्लीकेशन को यहाँ पर मैंने सारी
फिल कर लिया, आपने भी इसी तरह फिल कर ली। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लीव कर लेता हूँ। यहाँ पे लीव करने के बाद यहाँ पे अकाउंट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे हमने कस्टमर सर्विस पे मैं जब गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे नंबर जो मिला है, यहाँ पे मैंने नंबर पे कॉल की तो ये जो नंबर थे ये बंद थे। ठीक है, जो जो अप्लीकेशन रियल होती हैं, जो आपको लोन देती हैं, वो उनके जो नंबर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो ऑन होते हैं और वो कॉन्टैक्ट भी करते हैं। मैंने इस नंबर पे कॉल की थी, ये तो एक नंबर ये अभी न्यू ऐड हुए हैं। ठीक है, मैंने इनमें से एक नंबर पे कॉल की थी, ये जो फ्रंट पे ऊपर शो हो रहा है तो इस पे कॉल नहीं गई थी, जो कि ये नंबर बंद था। आई डोंट सो थिंक ये रियल है या फेक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करें, लेकिन आप करना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा ट्राई करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं आप नहीं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोन ले, सूद ले, ठीक है, और फिर आप सूद के साथ रिटर्न करने पड़ते तो ये गुनाह होता है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करना, मेरा काम है रिव्यू करना और आपको बताना। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है और वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब लाजम करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।